नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेहतरीन शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो हमारे मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो हमारे रूरल सेक्टर से रिलेटेड, मतलब जो रूरल इंडिया है उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड वर्क होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देखने मिलेगा। इस पैंडमिक का भी उस पर काफ़ी कम असर आपको देखने मिलेगा। ऐसे ही बेहतरीन शेयर लेकर हम इस वीडियो में हैं जो कि आपको काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ मिलेगा, काफी बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में आपको दे सकता है। तो ऐसे ही पांच स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला स्टॉक है हमारा पीआई इंडस्ट्री। आज ये देखने 17 पॉइंट डाउन है, लेकिन दोस्तों ये काफी बेहतरीन शेयर है। अगर आपको ये मतलब करेक्शन आपको हो रहा है तो करेक्शन का वेट कीजिए। जैसे करेक्शन हो रहा है तो करेक्शन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, करेक्शन से जैसे ये रिवर्सल होता है तब आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर काफ़ी मोमेंटम मिला है, यहाँ देखते हैं यहाँ ये प्राइस 2061 रुपीज़ आ चुका था, वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल रहा है। वहाँ से 200 रुपया तक नीचे ही आ चुका था, फिर से थोड़ा सा तेज़ी मिला है, फिर थोड़ी सी गिरावट। तो यहाँ पर आप ये धीरे धीरे अपना बेस बना रहा है, अगर यहाँ पर अपना सपोर्ट तैयार करता है तो आप यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे रिवर्सल होता है फिर से तेज़ी पकड़ता है तो आप वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि टेक्निकली ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और टेक्निकल चार्ट देखिएगा तो देखते हैं, चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट हमेशा अप है। यहां गिरावट तो हुआ था पैंडमिक में, लेकिन गिरावट में ये 1000 रुपीज़ तक आ चुका था, वहाँ से देखते हैं कितना फास्ट मतलब यहाँ से मूवमेंट दिखाया है, काफ़ी तेज मूवमेंटम इसमें आया है और काफ़ी तेज़ी से ये अप हो रहा है। दोस्तों साथ ही साथ बात करें कि जो पीआई इंडस्ट्री है ये वैसा बेहतरीन स्टॉक है जो बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। ये आपको कम से कम तो आप किसी भी प्राइस पे अगर 2000 ईस्वी के आसपास इन्वेस्ट किए होते तो 2.5% का रिटर्न ये आपको देता। अगर आप गिरावट में कभी इन्वेस्ट किए होते तो 4% का रिटर्न ये आपको देता। तो दोस्तों समझ सकते हैं इतना बेहतरीन ये स्टॉक है जो कि अपने इन्वेस्टर को काफ़ी मालामाल किया है, आगे भी ये आपको एक बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है, क्योंकि अभी भी कंपनी में काफ़ी ग्रोथ बाकी है। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के अलग अलग वीडियो भी लाएंगे कि इस कौन सी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या बिजनेस करती है। उसके बाद जो अगला कंपनी है हमारा वो है इंसेक्टीसाइड इंडिया लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और ये भी कंपनी देखिएगा लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। थोड़ा सा ये 2017 से अंडर परफॉर्म है ये कंपनी, नहीं तो उससे पहले देख सकते हैं कि 8 से 17 तक में, मतलब 8 से 17 मात्र जो है 9 साल में ये 5000 के आसपास रिटर्न दे चुका था। अभी आप देखिएगा तो ये कंपनी यहाँ जो गिरावट हुआ था, गिरावट से इसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। यहाँ जो गिरावट आया था मार्च में, मार्च के गिरावट से देखते हैं 77% अप है, और अभी अब जाकर के इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है लगातार। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। लेकिन सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल को थोड़ा सा आप खुद रिसर्च जरूर कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक्स है वो रैलीज इंडिया, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। दोस्तों जो आपको इस सेक्टर के अच्छे अच्छे स्टॉक दिखेंगे उस वो सारे काफ़ी महंगे स्टॉक्स देखने मिलेंगे, पीआई इंडस्ट्री, इंसेक्टिसाइड्स, जबकि रैलीज इंडिया आपको काफ़ी सस्ता उसके तुलना में मिल रहा है। देखते हैं मात्र 309 रुपीज़, जबकि इंसेक्टिसाइड करेंट प्राइस कितना है 507 रुपीज़, पीआई इंडस्ट्री करेंट प्राइस कितना है 1895 रुपीज़। तो उसमें सब इसमें जो लगभग सबसे सस्ता है और जो अच्छा स्टॉक से उसमें है रैलीज इंडिया। ये देख सकते हैं चार्ट देखिएगा तो काफ़ी सॉलिड है इस कंपनी का, देख सकते हैं चार्ट कितना सॉलिड है, मतलब टेक्निकली भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और फंडामेंटली भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर देख लीजिए ये 14000% का रिटर्न दे चुका है अपने शेयर होल्डर को 2001 से 2020 तक में। तो देखते हैं कितना बेहतरीन कंपनी है। यहाँ से देखिएगा गिरावट से, तो गिरावट से ये 118% का रिटर्न दे चुका है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा स्कॉट्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, स्कॉट ट्रैक्टर्स। दोस्तों अभी जैसे एग्रीकल्चर में काफ़ी बूम आने वाला है तो स्कॉट ट्रैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो आप स्कॉट ट्रैक्टर्स में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्कॉट भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये तो काफ़ी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है लॉन्ग टर्म में, लेकिन यहाँ से बात करें अगर हम 2015 से 2014 से, तो 2015 से खास करके तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 2015 में इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ से देखिए तो काफ़ी बेहतरीन 1000% का रिटर्न दिया है। 5 साल में
आपके एक रुपया को 10 गुना किया है। अगर 15 में कोई इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 5 साल से इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, तो आप चाहें तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले ये स्टॉक देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडर परफॉर्म रहा था, एक ही प्राइस पर लगातार बना रहा था 1999 से लेकर के यहाँ तक देखिए एक ही प्राइस पर था ये स्टॉक, लेकिन 5 साल से पीछे 5 साल से काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने मिला है और अब तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है ये स्टॉक ने। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक्स है भारत रशियन, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और ये स्टॉक्स जितना कहें उतना कम, मतलब जितनी इसकी अच्छाई की बात की जाए उतना कम होगा। ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, देखते हैं 44,000% का रिटर्न। तो दोस्तों ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है और ये भी एक मिड कैप स्टॉक्स है और एक मिड कैप स्टॉक देखते हैं आपको इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आप 1 ईयर में भी देखिएगा तो 99% का रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक्स अगर हम बात करें चार्ट पर तो ये स्टॉक्स में एक बार यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा आया था 2018 में, ये 8,000 रुपये से गिर करके देखते हैं ये 4,000 पर आ चुका था। अगर यहाँ पर भी कोई इन्वेस्ट किया होता तो 151% का रिटर्न मिलता। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ऐसे बेहतरीन स्टॉक में चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये महंगा स्टॉक्स है, अभी करेंट प्राइस जो है भारत रशियन का है 9,570 रुपीज़, वहीं स्कॉर्स जो है उसका 1,220 रुपीज़ है। तो स्कॉर्स थोड़ा सस्ता है, भारत रशियन काफ़ी महंगा है, लेकिन ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। कभी गिरावट में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पैंडमिक में तो इसमें गिरावट आया था, ये 4,800 के आसपास था, वहां पर चाहते तो आप इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गिरावट में कभी भी मिले तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे लगातार ध्यान बनाए रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें इन्वेस्ट करने से पहले। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।